राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन पर है। मांग नहीं पूरी होने से नाराज पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पुलिसकर्मियों ने रांची के मोरहाबादी मैदान को अपना आशियाना बना लिया है। वे हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से अपनी मांग मनवाए बिना वापस नहीं जाने का ऐलान कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इनसे वही काम लिया जाता है जो रेगुलर पुलिसकर्मी से ली जाती है। यहां तक कि नक्सली ऑपरेशन में भी इन्हें ले जाया जाता है, लेकिन उनकी और रेगुलर पुलिसकर्मियों के तनख्वाह में आसमान जमीन का फर्क है। सहायक पुलिसकर्मियों ने राजभवन और सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का भी मन बनाया है। वहीं आज रांची से भाजपा के सांसद संजय सेठ ने सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मौके पर उन्होंने इनकी मांगों पर सरकार से जल्द विचार कर समाधान करने की मांग की। न्यूनतम वेतन देकर इनको, जैसे प्रोजेक्ट भवन है जहां डीसी समाहरणालय है, नेपाल हाउस है, ऐसी जगहों पर ड्यूटी दी जाए। ट्रेंड है ना, अब आप तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, उसको भी रखो, हम उसका विरोध नहीं है। किंतु ये बच्चे जिन्होंने, जो गांव टोले से बहुत दूर से आ रहे हैं, 4-5 साल नौकरी कर लिए, अभी कहां जाएंगे? कोई नौकरी तो मिलने नहीं है, कोई व्यवसाय तो करेंगे नहीं, कोई पढ़ाई की तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? 2500 बच्चे तो उनके जीवन तो क्वेश्चन मार्क लग गया। तो मेरा यही आग्रह है कि ऐसे कोई 10-20-25 हजार बच्चे नहीं है, सिर्फ 2300-2400 बच्चे हैं, इनको समायोजन कर इनको स्थायी कर दिया जाए। स्थायी कर गए तो वेतन मान फिर शुरू हो जाएगा।